नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। ईडी ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की आईएएस अफसर पूजा सिंघल ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि पूजा सिंघल के खाते में 1 लाख रुपए से अधिक नगद जमा किए गए हैं। उनके खातों में उनके वेतन के अलावा 1.43 करोड़ रुपए की भारी नगद जमा राज्य के विभिन्न जिलों के डीसी रहने के दौरान की गई है। इस दौरान उन्होंने अपने निजी खाते से सीओ सुमन कुमार को 3 बार में कुल 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। एजेंसी जल्द ही अपना बयान दर्ज कराने के लिए पूजा सिंघल को इस मामले में तलब कर सकती है। बताया जाता है कि रांची पल्स हॉस्पिटल के पैसों के लेन देन की भी जांच चल रही है। ये अस्पताल पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा का है। रविवार को अभिषेक झा से प्रवर्तन निदेशालय ने दिन भर पूछताछ की है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिससे झारखंड में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल नेताओं और अफसरों के नाम दर्ज हैं। बता दें कि ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। इसमें जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2011 तक खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले में जूनियर इंजीनियर सिन्हा ने पूजा सिंघल को 5% कमीशन का भुगतान करने की बात स्वीकारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।